अब डिस्कस करने जा रहे हैं जो ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पेज ऐसा है, पेज नंबर 320 और 321, यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन नीट में 100% आएगा। ये नीट का क्वेश्चन जो है फिक्स है, और ये क्वेश्चन इस दोनों पेज के बाहर का नहीं होता है, और ये हर साल यहां से क्वेश्चन पूछेगा, फिक्स है यहां से क्वेश्चन पूछना। और इसमें आएगा किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या बनते हैं, क्या इन पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, उस चीज को आप डिस्कस कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और किस टाइप का यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। तो ये ब्रेन का इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग ऑर्गन है, जो कि हमारे बॉडी में सबसे ऊपर ये पाया जाएगा, और इसको हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और ये कंट्रोल एंड वॉलेंट्री मूवमेंट को बैलेंस करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, ये सब चीजों को क्या करता है, रेगुलेट करता है। इसके बाद जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, इन सब के को ये रेगुलेट करेगा। दूसरा है थर्मोरेगुलेशन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को भी करेगा। हंगर एंड थ्रस्ट, भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको भी ये करेगा कंट्रोल, कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है किसको, भूख को, प्यास को, किडनी के फंक्शन को, हार्ट के फंक्शन को, टेम्परेचर को हमारी बॉडी का, कौन करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप क्या कहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा, यहाँ से डायरेक्ट आपका ये बन रहा है। नेक्स्ट है कुछ ग्लैंड्स के बिहेवियर को भी ये हमारे कंट्रोल करेगा, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी के 24 आवर्स ये पूरा का पूरा रेगुलेट करता है। हमारा बोलना, सुनना और इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होंगे, ना कि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। अब इसमें हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट जहां से इम्पोर्टेंट भी है, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन यहां से डिजाइन हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका है कि ह्यूमन ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड स्कल, मतलब ह्यूमन ब्रेन आपका होता कहां पे है, स्कल के अंदर होता है, इनसाइड द स्कल, ठीक है। एंड द ब्रेन आर कवर्डेड, ये कवर्ड किससे होगा, ये पहला क्वेश्चन आपका फिर जनरेट हो जाएगा। क्रेनियल मेनिंजिस, क्रेनियल मेनिंजिस में से ये कवर्ड होता है, और कंसिस्टिंग ऑफ ए आउटर लेयर कॉल्ड ड्यूरामेटर। अब ये लेयर पूछेगा कितने लेयर का ये बना होता है, तो तीन लेयर का ये बना होता है, तीनों लेयर पूछता है पहली बात, और दूसरा ये पूछता है कौन सा बाहर होगा, कौन सा बीच में होगा, कौन सा अंदर होगा। तो सबसे बाहर वाला पार्ट क्या है, ड्यूरामेटर है, और थिन है दूसरा लेयर, थिन मिडिल लेयर वाला, ये भी पूछेगा मिडिल लेयर वाला थिन है, बाहर वाला थिन है, या ऐसे पूछ लेगा अरेक्नॉइड लेयर, थिन और थिक, तो आप क्या कहेंगे, थिन। और ये कैसा है, इनर लेयर में अगर आप जाते हैं तो ये कॉन्टेक्ट विथ ब्रेन टिश्यू, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा लेयर है जो किसका, क्रेनियल मेनिंजिस का, जो आपके ब्रेन के टिश्यू के डायरेक्ट टच में होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन है, पाया मैटर, ये सीधा सीधा उसके टच में होगा। और इसके बाद ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट, मतलब अब हम ब्रेन को, ये तो थे ब्रेन के ऊपर जो कवर थे कैसे यहाँ पर रेगुलेट कर रहे थे, कवर को जो टच कर ब्रेन के टिश्यू को टच कर रहा है पाया मैटर, और पाया मैटर ही सबसे इनर लेयर होता है, और उसके बीच में जो होता है वो क्या होता है, अरेक्नॉइड होता है, जो थिन होता है, और उससे ऊपर क्या होता है, ड्यूरामेटर होता है। तो ड्यूरामेटर जस्ट बाहर होता है, और ड्यूरामेटर का लेयर स्कल से डायरेक्ट टच में रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है। अब ये तीन पार्ट में है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ये तीन पार्ट में हमारा डिवाइड है। ये स्ट्रक्चर दिया है, इसमें भी ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर ऐसे दे देगा, और वहां पर जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, और वहां से पूछ लेगा कि इनके नाम क्या है, ए बी सी डी पूछ लेगा, या किसी दो नाम ऐसे यहां से दे दिया, जैसे इस पे एरो लगा दिया। अब अगर ये स्ट्रक्चर आपने देखा है, पता है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। 10 मिनट लगेगा ये दोनों पेज पढ़ने में, और इसमें से एक क्वेश्चन नीट में 100% मिल जाएगा। 10 साल का आप प्रीवियस का पेपर उठा के करेंगे, वहां से भी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे नीट में। अब हम देखते हैं एक एक को डिटेल में। अब जितना पूरा ये ब्रेन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के बारे में अगर हम देखते हैं, तो ये ब्रेन जो होता है, अगर 100% कोई ब्रेन है तो उसमें 80% क्या होता है,
फोर ब्रेन ही होता है, और फोर ब्रेन में भी कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा होता है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ये पार्ट इसका क्या होता है, सबसे ज्यादा इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसमें एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे यहां से हर लाइन में इसके क्वेश्चन बना होता है। पहला है फोर ब्रेन कंसिस्ट सेरिब्रम थैलमस एंड हाइपोथैलमस, तीन पार्ट में हम फोर ब्रेन को डिवाइड किए हैं, जिसमें से सेरिब्रम है और एक पार्ट और होता है सेरिबेलम, वो नेक्स्ट ब्रेन का पार्ट होता है इसका नहीं, ये सेरिब्रम है, इसमें कंफ्यूजन ना हो, सेरिब्रम थैलमस और हाइपोथैलमस तीन पार्ट में जनरली इसे हम डिवाइड करते हैं। अब सेरिब्रम के बारे में मेनली आपको यहाँ पर डिस्कस पहले करते हैं, फिर उसके बाद थैलमस, फिर उसके बाद हाइपोथैलमस, और इन तीनों पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नीट में बनता है, और यही पेज है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांस होते हैं, ये पैराग्राफ है, पेज तो पूरा ही है। तो इसमें दिया है कि सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का ही सबसे बड़ा पार्ट होता है और सबसे ज्यादा ये होता है सेरिब्रम, ए डीप क्लिफ्ट डिवाइडेड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां से, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया और दूसरा क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि ये किसके पार्ट है, बोल दिया सेरिब्रम थैलमस और हाइपोथैलमस, मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन या फिर फोर ब्रेन के पार्ट है, तो किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के पार्ट है, तो ये चीजें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि ये जो है, अब इसमें डिटेल हम पहले के देखेंगे सेरिब्रम का, ए डीप क्रिप्ट द सेरिब्रम लॉन्गर ट्यूबुलरी इन इनटू टू हाफ, एक डीप क्रिप्ट होती है जो इसको दो पार्ट में हमारा डिवाइड करती है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि सेरिब्रम को डिवाइड जो करता है वो कौन करता है, डीप क्रिप्ट कर रहा है, और विच आर टर्म द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, इसको दो पार्ट में राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड टू द ट्रैक ऑफ द नर्व फाइबर, अब ये नर्व फाइबर से कनेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, तो कार्पस कैलोसम क्या होता है, सेरिब्रम का जो दो पार्ट को ये डिवाइड किया है उसे को हम क्या कह रहे हैं, कार्पस कैलोसम, जो नर्व फाइबर कनेक्ट कर रहा है, द लेयर ऑफ सेल विच आर द कवर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको आप क्या कह रहे हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड, इसमें एक फोल्ड टाइप का ये बना रहेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स आर रिफर्ड टू द ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर एक जो होगा क्या होगा, ग्रे फ्लूइड होगा, ग्रे मैटर होगा, जिस जो कि ग्रेइश अपीयरेंस की वजह से इसका कलर होगा ग्रे, तो ये चीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कलर से रिलेटेड ग्रेइश कलर अपीयरेंस किसमें पाया जा रहा है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन देयर आर द नाइदर क्लियरली सेंसरी क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर फंक्शन, तो जैसे हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मोटर है सेंसरी है किस टाइप का है, तो उसके बारे में यहाँ पर है कि कौन कौन से टाइप के फंक्शन ये कौन सा कर रहा है, द रीजन आर कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड द इंटर सेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड द कम्युनिकेशन, तो ये सब आपका मेमोरी सेव करने के लिए और एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइबर्स आर द ट्रैक आर द कवर्ड द माइसीलियम सीथ, और इनके जो फाइबर्स होते हैं एक माइसीलियम सीथ से कवर होते हैं, जैसे हमारे पास करंट की वायर होती है उसके ऊपर प्लास्टिक वायर कवर होती है, वैसे यहाँ पर इनके जो सेंसरी ऑर्गन है उनके ऊपर क्या है, माइसीलियम की सीथ कवर्ड होती है, विच कॉन्स्टिट्यूएंट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, किसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट पे ये मिलेंगे माइलिनेटेड सीट वाले, एंड दे गिव एंड द ओपेक व्हाइट अपीयरेंस, तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इस पे व्हाइट अपीयरेंस पाया जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक हो जाता है, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसमें ग्रे अपीयरेंस पाया जाएगा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है इसमें मेजर सिंगलिंग ओपेक व्हाइट अपीयरेंस एंड हेंस द व्हाइट मैटर द सेरिब्रम वार्म अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ द थैलमस, वार्म मतलब ऊपर से इसके जो ऐसे फैला रहेगा उसको आप क्या कहेंगे थैलमस कहेंगे, विच ए इज ए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेंसरी एंड मोटर सिंगलिंग, ये क्या होता है इसके थैलमस और मेजर पार्ट इसका सेंसरी होता है और कुछ इसके मोटर्स होते हैं
जो स्टेट के इंपॉर्टेंट ब्रेन का पार्ट होता है उसको अब आप क्या बोल रहे हैं, हाइपोथैलेमस। अभी आपने सेरिब्रम पढ़ा, अब आप क्या पढ़ रहे हैं, हाइपोथैलेमस। लाई द बेस ऑफ द थैलेमस। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट होता है, बेस में थैलेमस के प्रेजेंट होता है। यहां से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये थैलेमस कहां पर प्रेजेंट होगा, बेस पे प्रेजेंट होता है, किसके, हाइपोथैलेमस के, सॉरी हाइपोथैलेमस थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट होगा। द थैलेमस कंटेन मेंबर नंबर ऑफ द सेंटर व्हिच कंट्रोल बॉडी। अब यहां से अलग अलग क्वेश्चन यहां से ड्राइव होना शुरू होगा कि हाइपोथैलेमस क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है आपका, ये बॉडी टेम्परेचर करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आप 10 साल का पेपर उठाएंगे तो वहां से 5 से 6 साल ले मिल जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर आर्ग ईटिंग ड्रिंकिंग, पानी पीना है उसको भी यही क्या करेगा, बताएगा कि आपको प्यास लगी है, खाना खाना है। इट ऑल्सो कंटेन द सेवरल ग्रुप ऑफ द न्यूरो सिक्रेटरी सेल। कई न्यूरो सिक्रेटरी सेल हैं, उनको भी ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट है। एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्लीप डीप स्ट्रक्चर लाइक अमाइगडला हेमी हिप्पोकैम्पस ईटीसी। इसके अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ये दोनों पार्ट आपके हिप्पोकैम्पस और अमाइगडला जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर होंगे। फॉर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और द लिम्बिक सिस्टम। इसमें जो होते हैं इनको आप क्या कहेंगे, लिम्बिक लोब एंड लिम्बिक सिस्टम। कहां प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा, किसके, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडला के। नेक्स्ट है along with the hypothalamus it is involved to regulate the sexual behavior। hypothalamus aur kya regulate kar raha hai, sexual behavior ko kar raha hai, expression ko kar raha hai, emotion ko kar raha hai, reaction ko kar raha hai, excitation, pleasure, rage and fear, dar ko bhi, aur motivation ko bhi yahi kya karta hai, regulate karta hai। ab aapki body mein motivation nahi hai, matlab ki ye aapka hypothalamus theek se kaam nahi kar raha hai, theek hai, और जिसका काम कर रहा होगा तुरंत मोटिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है मिडब्रेन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक जो पढ़ाया आपने पहला वाला पार्ट, ये आपके ब्रेन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लगभग ये 80% कवर कर रहा है और इसका ये पार्ट भी आपका 80% कवर कर ले रहा है। दूसरा आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिडब्रेन। मिडब्रेन इज लोकेटेड द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, आपका फोर ब्रेन का। इसके बीच में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन लिखा है, तो एक लाइन में ये पहला क्वेश्चन यही हो जाता है, आया हुआ क्वेश्चन ये नीट में है। फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन, और इसमें क्या होगा, फोर ब्रेन और पॉन्स हाइंड ब्रेन के बीच में इट कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट। इसमें क्या पाया जाएगा, सेरिब्रल एक्वाडक्ट पाया जाएगा। Tears through the midbrain, midbrain में होंगे, and the dorsal portion of the midbrain consists the mainly four round swelling lobe। अब इसमें यही सबसे पाया जाता है carpora cordygemina। तो carpora cordygemina क्या होता है, चार lobes का होता है जो पाया जाएगा किसमें, midbrain में। Next आपका है hindbrain। hindbrain आपका जो है ये इसमें present है pons cerebellum और मेडुला। तो ये जो सेरिबेलम था वो अलग था और सेरिबेलम जो है वो अलग है। ये आपका हाइंड ब्रेन का है और सेरिब्रम जो था वो किसका था, मिड सॉरी फोर ब्रेन का पार्ट था। इट इज आल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लांगाटा, और इसी को और क्या कहते हैं आप, मेडुला ऑब्लांगाटा कहते हैं। पॉन्स कंसिस्ट द फाइबर ट्रैक दैट द इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो ये जो करते हैं पॉन्स, ये अलग अलग बॉडी के पार्ट को ये कनेक्ट करते हैं और ब्रेन के भी पार्ट को ये अलग अलग ये कनेक्ट करता है। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला कंटेन सेंटर व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन। अब यहां से देखिएगा मेडुला क्या कंट्रोल करता है,
एक कंट्रोल तो हमारा थैलेमस से था, हाइपोथैलेमस से था, और दूसरा क्या है, मेडुला से है। तो मेडुला हमारा जो कंट्रोल करता है वो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन कंट्रोल करेगा। ये रेस्पिरेशन सेंटर होता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, तो डाइजेशन को ये रेगुलेट कर रहा है और हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है और किसको कर रहा है, रेस्पिरेशन को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी का ये भी। और देयर मेजर रीजन ऑफ मेक अप द ब्रेन स्टेम मेजर रीजन माइंड मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कंसंट्रेशन बिटवीन सॉरी कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन स्टेम है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, तो ब्रेन स्टेम आपका यहां से कनेक्ट करता है। तो ये जो आपको पूरा पेज नंबर 320 और पेज नंबर 321 ये दोनों पेज आप स्टडी करेंगे तो एक क्वेश्चन नीट का 100% आपको यहां से मिल जाएगा। ये जितना मैंने डिस्कस किया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है वहीं से लगभग क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन एक 100% यहां से डन होता है। यही दो पेज आप पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा इस पार्ट से नीट में।